हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? आज का जो वीडियो है ये ग्रामर बेस्ड वीडियो होने वाला है। ग्रामर में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक जो इंग्लिश लर्नर्स को लगता है वो है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं इसको और रिपोर्टेड स्पीच भी, नरेशन भी बोलते हैं इसको। ओके, तो ये होता क्या है, क्यों जरूरत है इन एक्सरसाइजेस को करने की और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सेशन बहुत छोटा होगा, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मैं सारे रूल्स आपको कवर कराने वाली हूँ। ऑलराइट, तो सेशन की करते हैं शुरुआत। ये है रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। रिपोर्टेड स्पीच सबसे पहले देखो, समझ लो होता क्या है। मान लो ये स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है, दो लोगों की बात चल रही है। ओके, किसी ने किसी को कुछ बोला है। अब यही चीज जब आप तीसरे पर्सन को रिपोर्ट करेंगे उसी को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तीसरे पर्सन को बताना कि हम दोनों में क्या बात हुई। इसको जब हम चेंज करते हैं तो काफी सारी चीजें वहां चेंज होगी। प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, टाइम एक्सप्रेशन चेंज होगा, है ना, बोलने का तरीका चेंज होगा, डायरेक्ट से वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब तो यही रूल्स हैं जो हमको आज समझने हैं। तो अभी जब आपके पास में इस तरीके का कोई सेंटेंस होता है तो इसको हम डायरेक्ट सेंटेंस बोलते हैं, मतलब कि किसी ने किसी को कुछ बोला। ओके, तो इस सेंटेंस के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो तीन पार्ट्स हैं। इजीली स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मान लीजिए इस सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस है, अब मैंने बोला इसमें तीन पार्ट्स है। पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर वन को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई एक पर्सन सब्जेक्ट दूसरे पर्सन को, ऑब्जेक्ट को कुछ बोलता है। जैसे सब्जेक्ट में है सिमरन और ऑब्जेक्ट में है साहिल, तो सिमरन ने साहिल से कुछ कहा, ठीक है, तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा जो आपका पार्ट होता है वो होता है कंजक्शन का पार्ट, मतलब कि जो इन्वर्टेड कॉमास और ये जो आपको दिखते हैं ना, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास, इनकी जगह पे हमें कंजक्शन लगाना होता है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट होता है। तो वन पार्ट हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा पार्ट हमारा है कंजक्शन का, और तीसरा पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इज द स्पीच जो सिमरन ने साहिल को बोली है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसी को मेनली हमको चेंज करना होता है। टेंस चेंज हो जाता है इसमें, है ना, प्रोनाउन चेंज हो जाता है, टाइम एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, और भी छोटे मोटे चेंजेस हम लोग करते रहते हैं। तो यही है आपका रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करना। अब इसमें मैंने आपको तीन पार्ट्स बताए, एक हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा हो गया कंजक्शन, और तीसरा हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। कहां कहां पे क्या क्या चेंजेस होंगे वो अब हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। क्लियर हो गया? चलो भाई, तो सबसे पहले जब भी आपके सामने एक रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ लिखी होगी उस पे आपको पता लगाना है कि वो जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी कौन से टेंस में है। सिमरन ने साहिल को कुछ बोला है, प्रेजेंट में बोला है, पास्ट में बोला है, या फ्यूचर में बोला है। अगर प्रेजेंट में बोला होगा तो वहां से टू लिखा होगा, और डायरेक्ट से उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम आपको क्या करना रहेगा, उसका जो ये जो कहने का तरीका है से टू रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो से टू एक्चुअल में चेंज हो जाता है टेल्स में, ये आपको पता होना चाहिए। टेल में से टू चेंजेस टू टेल। ओके, टू नहीं लगाते हैं, ओनली टेल। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, से टू को टेल टू कर देते हैं, नहीं, ओनली टेल। सेस टू चेंज होता है टेल्स में, किसमें बेटा, टेल्स। विल से टू चेंज होता है विल टेल में, विल टेल में, ठीक है। फिर क्या आया आपका सेड। देखो सेड है तो सेड रहेगा, सेड है मतलब समझ लो ओनली सब्जेक्ट है यहाँ पे, मतलब सिमरन सेड। अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो लिखा होगा सिमरन सेड टू, और जब सिमरन सेड टू लिखा होगा तो मुझे उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पे भी आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टोल्ड टू लिख देते हैं, नहीं लिखना प्लीज, ओनली टोल्ड। ओके, आस्ट, आस्ट में ही चेंज हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है अकॉर्डिंगली। अब देखो यहाँ पे भी जो सेट टू है ना वो काफी सारी चीजों में चेंज हो सकता है। जैसे सेट टू को हम आस्ट में चेंज कर सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन है तो, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सेट टू को हम रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, किसी भी चीज में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में लिखा है शी सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी, तो मैं सेट टू को बोलूंगी रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड। कैसे करते हैं ये सारे मैं आपको बताऊंगी जब हम लोग सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। क्लियर हो गया? सो अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, कमांड है तो कमांडेड, क्वेश्चन पूछा है तो आस्क्ड। क्लियर? इसके बाद में ये तो आपको समझ आ गया होगा, तो सिमरन सेड टू साहिल, बताओ आंसर में क्या लिखोगे? आप लिखोगे सिमरन टोल्ड साहिल। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं आपके लिए किसकी,
कंजक्शंस की कंजक्शन क्या कहाँ पे यूज होगा। जैसे ये मेरा कंजक्शन था राइट, अब इसको मुझे यूज करना है, इसकी जगह पे कंजक्शन यूज होगा, तो उसकी एक टेबल होती है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। देखो इंग्लिश में हमारे पास में मेनली चार तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे एक है हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोले तो जब कोई किसी से कुछ कहता है, पूछता नहीं है, कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड नहीं करता, सिंपली पूछता है, ना एक्सक्लेमेशन होती है, ना सरप्राइजिंग होती है टोन के अंदर, सिर्फ कुछ कहता है, ठीक है। तो जब बोलता है तो उसको स्टेटमेंट बोलते हैं या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस में जो कंजक्शन हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं दैट। क्या बोलते हैं? दैट। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपने क्या लगा देना है बेटा? दैट लगा देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं? जब यस नो टाइप वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे डू यू नो मी, आई यू स्टूपिड, विल यू गो देयर, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस, वहां पे जो कंजक्शन हमें लगाना होता है वो होता है इफ, एक होता है वेदर। आप देखो इफ और वेदर में कोई भी लगा दो, दोनों लगाने नहीं होते, और ऐसा कुछ नहीं है कि कहाँ पे क्या, दोनों में से कुछ भी। वेदर की स्पेलिंग सही लिखेंगे, डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर, वेदर मौसम वाला होता है, हमें ये वाला लिखना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो वहां पे क्वेश्चन वर्ड को खुद ही कंजक्शन बना दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे सेंटेंस में हु लिखा था तो वही मेरा कंजक्शन हो जाएगा, वेयर लिखा था तो वही मेरा कंजक्शन हो जाएगा, वेन लिखा था तो वही मेरा कंजक्शन हो जाएगा, इस तरीके से हो जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कंजक्शन टू होता है, कौन सा होता है? टू। लेट वाले सेंटेंस, जब हम प्लीज किसी को बोलते हो लेट मी डू दैट प्लीज, ऐसे सेंटेंसेस में हम फिर से कंजक्शन टू ही लगाते हैं। तो लेट में और इंपेरेटिव में टू कंजक्शन लगता है। जब ये सेंटेंस लेटस वाला होता है वो लेट से अलग होता है बेटा, ओके। लेटस वाला सेंटेंस होता है सजेशन एंड प्रपोजल के लिए, तो ऐसे में जो कंजक्शन हम लगाते हैं वो क्या है? फिर से दैट लगेगा। क्या लगेगा? दैट। अब देखो सजेशन और इस वाले सेंटेंसेस में हम लोग लिखेंगे ही सजेस्टेड, क्या लिखेंगे? ही सजेस्टेड, जो आगे लिखा था ना सेट टू की जगह पे, तो सेट टू की जगह पे आपको लिखना है ही सजेस्टेड, ही प्रपोज्ड, ऐसा कुछ भी लिख दो यहाँ पे आप लोगों के लिए। ही सजेस्टेड, ही प्रपोज्ड, सजेस्टेड इस तरीके से, या फिर ही प्रपोज्ड इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। क्लियर हो गया? चलो एक्सक्लेमेटरी में क्या करना है, फिर से एक्सक्लेमेटरी में आपको दैट ही लगाना है। एक्सक्लेमेटरी में कौन सा कंजक्शन होता है? दैट होता है। कंजक्शन क्लियर हो गया सब लोगों को? स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, लेट, लेटस, एक्सक्लेमेटरी, क्लियर कंजक्शन, ठीक है। हम लोगों के कंजक्शन क्लियर हो गए हैं, हम लोगों के सेट टू क्लियर हो गया है। आगे बढ़ेंगे थर्ड वाले पार्ट में। अब आया आपका रिपोर्टेड स्पीच। इस रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या करना है देखो, तो जरा तीन चीजें चेंज करनी है, टेंस, प्रोनाउन एंड टाइम एक्सप्रेशन, राइट। इन तीनों को चेंज करना सीख लेते हैं। देखो टेंस चेंज करने के लिए एक बहुत अच्छी टेबल है जो आपको पता होनी चाहिए। इस स्लाइड में लिखे हुए सारे प्रेजेंट के टेंस आपको दिख रहे होंगे, ठीक, और इस स्लाइड में लिख रहे हैं आपके पास्ट के टेंस। तो प्रेजेंट वाले टेंस सारे पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए लिख रहा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई सेंटेंस लिख रहा होगा एस या ईएस लगा के, जैसे शी रीड्स, उसको मुझे कन्वर्ट कर देना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, मतलब शी रेड, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिख रहा होगा इज देयर मार्क, इज देयर मार्क को मुझे और आई एन जी लग रहा होगा साथ में, कन्वर्ट कर देना है वॉज एंड वर्ब में। प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रहा होगा हैज एंड हैव, उसको मुझे कन्वर्ट कर देना है हेड में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिख रहा होगा हैज, हैव और इसके साथ में बीन, तो आपको बताइए क्या करना है। पास्ट परफेक्ट में जब मैं इसको लेके जाऊंगी तो मैं लिख दूंगी हैज, हैव, ओहो सॉरी, हैड बीन, इसमें मैं क्या करूंगी, हैड बीन लिख दूंगी, हैड प्लस बीन, क्लियर हो गया। आई एन जी लगेगा वो आपको पता ही है। इनके स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंस चेंज करने के लिए आपको टेंस के स्ट्रक्चर पहले से पता होने चाहिए। नहीं भी पता है तो मैंने यहाँ आपको चीट कोड लिख के दे दिए हैं। सिंपल पास्ट में क्या करना है, सिंपल पास्ट, अब ये देखो यहाँ से पास्ट शुरू हो गया, तो पास्ट में क्या होता है, नीचे के दो तो बिल्कुल नहीं चेंज होते, ये एज इट इज रहते हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस कभी चेंज नहीं होते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कभी चेंज नहीं होते, ये दो होते हैं। और ये दो किसमें होते हैं, इन्हीं दोनों में हो जाते हैं। जैसे सिंपल पास्ट, फिर से वही लिखा होगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्या लिखा होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, मतलब की वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, और साथ में क्या लग जाएगा, हेड लग जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस में क्या लिखा होगा, वॉज वर लिखा होगा, इस बार वॉज वर आई एन जी, है ना, ऐसा कुछ लिखा होगा ना,
आपको क्या करना रहेगा, उसको हैड बिन आईएनजी में कन्वर्ट कर देना रहेगा। कर लोगे इतना, ये दोनों चेंज होते नहीं है बिल्कुल भी, ये एज इट इज रहते हैं। हेड है तो हेड है, हेड बिन आईएनजी है तो हेड बिन आईएनजी। तो कुल मिला के ये चीट कोड आपके पास में होने चाहिए लिखने के लिए। इसके अलावा टेंसेस में ना कुछ चीट कोड हमारे पास और भी होते हैं, जैसे मान लीजिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो वहां पे ना बच्चे क्या कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना होता है मैम, तो सेंटेंस जब आपका इंट्रोगेटिव होता है और पास्ट सिंपल होता है, कौन सा वाला होता है, पास्ट सिंपल होता है, तो सेंटेंस शुरू होता है डिड से, ठीक, और डिड के साथ वहां होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पर आपको क्या करना होगा उसको बताओ जरा, कैसे चेंज करोगे इसको। इसका चीट कोड होता है कि अगर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं आपको दिख जाए तो आपको उसको हर्ड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। बच्चों मैंने क्या किया, ये कुछ नहीं किया है, मैंने सीधे सीधे आप लोगों को पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करके सिखाया है, जो ऑलरेडी मैं पीछे वाली टेबल में भी आपको बता चुकी हूँ। क्लियर हो गया? तो डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी होती है, ये आपका चीट कोड होता है। दूसरा, अगर सेंटेंस शुरू होता है डू यू से, इसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल का टेंस, है ना, ये प्रेजेंट सिंपल के टेंस में डू यू, अगर डू यू वाला सेंटेंस होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से कोई सेंटेंस अगर आपको दिखेगा तो क्या करोगे बताओ, डू यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगा तो क्या करोगे, अभी भी इसको आपको क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना रहेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। डू को डिड में कन्वर्ट नहीं करते हैं जब तक सेंटेंस नेगेटिव ना हो। अगर सेम सेंटेंस आपके लिए लिखा हुआ है डू नॉट, तो हम इसको कर देंगे डिड नॉट, और जब डिड नॉट करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये चीट कोड है, इसकी सब लोग क्या करेंगे पिक ले लेंगे, क्योंकि आपको ये आगे चल के डेफिनेटली काम में आने वाला है। टेंस खत्म हो गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन फ्यूचर बचा है। अब यहां मैं दो चीजें आपको देने वाली हूँ, फ्यूचर प्लस मॉडल वर्ब, ठीक है, फ्यूचर प्लस मॉडल वर्ब, ये दोनों चीजें देने वाली हूँ। तो विल का बेटा देखो वुड हो जाता है, क्या हो जाता है वुड। शैल का शुड नहीं होता, शैल का भी वुड ही होता है, शुड लगाना गलत है। अगर आप शुड लगा देते हैं तो आपने सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर दिया। कैन का कुड कर देंगे, सबको पता होना चाहिए। मे का माइट हो जाएगा, ये भी आपको आना चाहिए। मस्ट का हैड टू या मस्ट दोनों कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आप मस्ट रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव टू को हैड टू में कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपका टेंसेस था जो आपको अब समझ आ जाएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये टाइम एक्सप्रेशन की आपकी टेबल होती है, टुडे का दैट डे, नाउ का देन, यस्टरडे का द डे बिफोर, एगो का बिफोर, लास्ट वीक का द वीक बिफोर, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, टुमारो का द नेक्स्ट डे, हियर का दैट, दिस का दैट, दिस का दो। क्या किया हमने यहाँ पर, यहाँ पे हमने टाइम एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया है। तो इस तरीके के वर्ड्स अगर आपको डायरेक्ट सेंटेंस में दिखेंगे तो उसको आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस में इस तरीके से कन्वर्ट कर देना रहेगा, ठीक है। तो आई होप मैं जल्दी 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 आपको जो रूल्स बता रही हूँ आपके काम में आ रहे होंगे, और थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको बेस पे करके रखनी है, ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए हो जाएगा। और इन केस आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, तो आप मेरा रिपोर्टेड स्पीच का प्रॉपर फुल वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें आपको सारे रूल्स और अच्छे से डीपली घुस घुस के समझ में आएंगे। ये आपके लिए रिवीजन के लिए बेस्ट है, और आप क्या कर सकते हैं इसको अपने साथ सेव करके रख सकते हैं, एग्जाम से पहले फटाफट से खोलो, रिवाइज करो सारे रूल्स और हो गया। चलो भाई, तो अब आपके सामने मैं क्या दिखाने वाली हूँ, एक्सरसाइजेस दिखाने वाली हूँ। पांच क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, इन पांचों के आंसर आपको 1, 2, 3, 4 में मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। कुछ भी अगर इश्यू है, क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट में बता देना। और मेरे टेंथ के बच्चे जो मुझे पूछ रहे हैं कि मैम कीवर्ड्स के वीडियो और वन शॉट के वीडियो कब आएंगे, कल से आने शुरू हो जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट के, डोंट वरी। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है और मेरी बात अब समझ में आ गई है आपको कि कीवर्ड्स के वीडियो आ रहे हैं, तो नीचे लिख देना यस मैम, थैंक यू सो मच एंड वी बिलीव यू कि कल से वीडियो आएगा, ठीक है। That's it for today. अभी के लिए इतना ही, मैं करती हूँ साइन ऑफ, आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन एंड टेक केयर। और ये आपके लिए है एक्सरसाइज, कर लीजिए, 1 question, 2nd question, 3rd question, 4th question and this is your 5th question। इन पांचों के आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। टेक केयर, बाय।